श्री कृष्ण राधे राधे। और ये अब वीडियो मैं सुबह बना रही हूँ। अब सबसे पहले अब अभी तक तो आप सिर्फ स्वप्न के जो लीलाएं थी वही सुन रहे थे, और अब शायद हमारे प्रभु ने साक्षात लीलाएं भी शुरू कर दी हैं, और उससे आपको बहुत सीख भी मिलेगी और शिक्षाएं, क्योंकि हर इंसान को शिक्षाओं से ज़्यादा मतलब होना चाहिए, क्योंकि शिक्षाएं ही हमें भक्ति के मार्ग पर आगे पहुंचाती हैं। तो अब मैं इन लालाओं के बारे में बता देती हूँ। ये जो प्यारा सा लाला आप देख रहे हैं ना, इनका नाम हमने रखा है कृष्णा। कृष्णा नहीं, कृष्णा। ये प्यारा सा कृष्णा है, और ये जो कृष्णा, पहले जो आपने कृष्णा की तस्वीर देखी है, जो इससे पहले मैंने स्टार्टिंग में दिखाई है, ये कृष्णा 40 साल के हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इनकी उम्र 40 साल है। और ये एक शॉप पर, कल हम शॉपिंग करने गए थे, और शॉपिंग करने के बाद जिस शॉप से हमने हमारे केशव और कन्हैया के लिए, दशहरे के लिए टी शर्ट ली थी, वहीं पर ये लाला एक शीशा बंद था, और वहाँ पर मतलब कांच लगा हुआ था, उसमें बैठे हुए थे। और जब उन पर ये निगाह पड़ी तो हमने उनके ओनर से कहा, जो शॉप के जो ओनर थे, हमने उनसे कहा कि भैया आपने ये शीशा क्यों बंद किया हुआ है, ये लाला को सांस कैसे आ रही होगी। तो वो कहने लगे कि ज़्यादा सेवा हम लोग नहीं कर पाते हैं और यहाँ शीशा लगा रहता है। तो मैं मतलब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, मेरा मन बहुत भावुक हो गया था, और हमको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मतलब उस समय पे हम दोनों ही बहुत ज़्यादा उनसे, उनको सेवा के बारे में, क्योंकि हमसे रहा नहीं गया, और हम बताने लगे। और हमने उनसे ये भी कहा कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब ये कैसे, उन्होंने ये, उनका ये भी नहीं बताया कि ये कितने सालों से है, लेकिन मेरी तो आंखों में ही आंसू आ गए थे, क्योंकि मैं बहुत भावुक हो गई थी। तो उनका जो बेटा था वो बोला कि हमसे सेवा नहीं होती है, आप ले जाओ, इनकी बहुत सेवा होती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप हमें दे दो और हम इनको ले जाएंगे और हम इनकी सेवा कर लेंगे। तो तभी जो लड़का था, उनके फादर आ गए, वो भी दादाजी की उम्र के ही थे। वो आके, उनको थोड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने कहा कि चलो हम सेवा कर लेंगे, आप बताओ कैसे करनी है। तो हमने उनको बताई, लेकिन मैंने कहा कि आप पहले उनका वो जो शीशा है उसको खोलना। तो कह रहे हम कल ना शीशा निकलवा देंगे। अब हमने क्या देखा कि जिस मंदिर में, मंदिर ही कहूँगी, उन्होंने एक पता नहीं क्या बनाया हुआ था, उनके पीछे एक दादाजी की तस्वीर थी जो इस दुनिया में नहीं है, और उसके आगे ये लड्डू बैठे हुए थे। और जब इन लड्डू को, मतलब मैंने जब उनसे कहा कि, तो उन्होंने मना कर दिया, बाबा ने, कि नहीं, हम ट्राई करेंगे। तो वो जो उनका पोता था वो कहने लगा कि, उनका बेटा ही था वो, और जो दादाजी की तस्वीर थी ना जहाँ पर ये लड्डू बैठे थे अंदर, जो अब नहीं है, वो शायद उनके दादा थे उस लड़के के। और उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी जो है इनकी सेवा करते थे, लेकिन जब से दादाजी चले गए तो इनकी हम लोग सेवा नहीं कर पाते हैं, बस कभी अगरबत्ती लगा देते हैं और फिर ये बंद कर देते हैं शीशा। मतलब ये सब सुन के मुझे बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती मेरी भावना कैसी थी। सोना भी बहुत परेशान हो गई थी, और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या अब इनको बोले, क्या बोले, क्या ना बोले। तो तभी वो मैंने फिर इस लाला को बोला कि देख लाला, तेरा भाग्य होगा बाहर निकलने का, तो तू बाहर निकलेगा। अब मैं तो इन लोगों से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकती तेरे लिए, क्योंकि तू उन्हीं के पास रहता है ना, मैं सिर्फ उनको समझा सकती हूँ। तभी आप यकीन नहीं मानेंगे, उस शीशे के अंदर जो लाला बैठा था, उसने एकदम से अपना जो ये वाला पगड़ी नहीं है, उन्होंने दूसरी एक मुकुट पहना था, तुरंत वो मुकुट गिरा दिया। और जो उनके वहाँ पर फादर थे उस लड़के के, जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उनको मतलब बहुत अलग जो है लगा, और उन्होंने फिर स्वयं ही लाला को निकाल कर हमें दे दिया, और हमसे कहा कि
अगर ये जाना चाहते हैं तो आप ले लो, लेकिन उनका दिल कहीं ना कहीं हृदय इस चीज़ से डर भी रहा था कि पता नहीं इतने सालों से ये है कि क्या होगा। तो लेकिन मैंने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि ऐसा करते हैं, हम 2-3-4 दिन के लिए इनको लेके जाते हैं, इनको सेवा देते हैं और इनको हम साफ़ कर देते हैं अच्छे से, जब ये हो जाएंगे तो ये हम आपको इनको वापस दे जाएंगे, हम इतना कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हम पूरी जिंदगी, मतलब पूरी लाइफ भी इनकी सेवा कर सकते हैं जब तक हम जीवित हैं। तो लेकिन तभी सोना बोली कि नहीं नहीं हम ना इनको नहीं देखे जाएंगे, वो उनके सामने ही बोलने लगी। तो क्योंकि हृदय में देखिए आपके अंदर प्रेम भाव तो आता ही है ना, आपको बहुत अलग लगता है। तो जाते जाते ही उन्होंने हमें बताया कि ये 40 साल पुराने लड्डू हैं, यानी 40 साल से उनकी शॉप पर है ये। और जब ये लाला मेरी गोद में आए तो मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे कि मैं इनको बहुत समय से जानती हूँ और पहचानती हूँ, अपने ही ये लाला लगे। और हमने जब इन लाला को गोद में लिया, हमने 10:30 बजे तक इनको मार्केट में खूब घुमाया, इनके लिए शॉपिंग की, इनको मतलब अंदर मन में ये फीलिंग आ रही थी हमें कि इनको ये लग रहा था कि मैं आज़ाद हो गया, 40 साल में बंद था, क्योंकि उनके वहाँ पर खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। और शायद उन्होंने जो जन्माष्टमी पे ड्रेस पहना था वही पहना हुआ था। तो देखिए मैं किसी के भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाती हूँ और ना ही पहुँचानी चाहिए। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जितने भी श्रोता यहाँ सुन रहे हैं, जितने भी भक्त हैं, जिनको लड्डू गोपाल घर में रखना है तो आप प्लीज़ लड्डू गोपाल की ज़्यादा ना करें। आप उन्हें स्नान करा के सुबह शाम का भोजन ज़रूर दें, कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो आप दूध ज़रूर दें, दूध नहीं दे पा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स दें, लेकिन ज़रूर दें। और आप रोज़ उनको वस्त्र नहीं पहना सकते हैं नए, कोई बात नहीं, आप घर में बनाइए। अगर घर में भी बना नहीं सकते हैं तो आप उनको कम से कम 15 दिन में तो ड्रेस बदल सकते हैं ना, आप इतना ही प्रभु के लिए कर दीजिए। अन्यथा आप लड्डू गोपाल को घर में ना रखें, आप उनका चित्रपट रखिए, चित्रपट की सेवा कीजिए, आप तस्वीरें रखिए। लेकिन क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये विग्रह नहीं होते हैं, अपने दिमाग में इस बात को भर लीजिए, ये जागृत अवस्था में होते हैं। आप इनका प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं, वो दुर्भाग्य है इनका। मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे जीवन में मैंने लड्डू को कभी रखा नहीं, कभी सेवा की नहीं थी, लेकिन 2 सालों में ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो प्रभु ने खुद सिखाई हैं और वही शिक्षा मैं सबको दे रही हूँ। और जिन्हें लेनी है वो लें और जिन्हें नहीं समझ में आ रही हैं वो अलग बात है। तो इसलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ। और ये लड्डू जब हम इनको घुमा रहे थे तो ये मेरा बच्चा 40 साल का है और मैं इसकी भी मैया हूँ, और अब ये दशहरे तक हमारे पास रहेंगे और दशहरे के बाद हम इनको लेके जाएंगे। तो मेरे बच्चों का कहना है कि मम्मी इसको, इनको नहीं दे के आना है, सोना भी चाहती है कि ये ना जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमको ज़रूर उनको दे कर आना है। कारण क्या है कि हमारा फ़र्ज़ है सेवा करना, हम किसी के इतने सालों की सेवा नहीं लेना चाहते हैं। चाहे उनके दादाजी ने सेवा की तो हम उनको वापस दे कर आएंगे, और अगर प्रभु को फिर भी आना है तो वो आते रहेंगे, वो तो अदृश्य में कभी भी आ सकते हैं ना, ये उनका घर है। और जब ये लीला साक्षात हुई तो आप इसमें अब 2 शिक्षाएं अपने दिमाग में डालें। हम जब लड्डू गोपाल लाते हैं इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि हमारे बाद उनकी सेवा करने के लिए कोई तो होना चाहिए। देखिए सेवा कोई नहीं कर पाता है तो देखिए लड्डू गोपाल की क्या हालत होती है, आप सोच के देखिए। मतलब वीडियोस बनाते हुए मैं रोना नहीं चाहती हूँ और मैं आपको यही बता रही हूँ। तो वही सोच कर आप लड्डू गोपाल लें या फिर अपने बच्चों में वो शिक्षाएँ दें कि आपके बाद वो उनकी सेवाएँ करें। अगर उनके अंदर आप ये शिक्षाएँ दें, अन्यथा आप ऐसा चीज़ ना करें कि लड्डू गोपाल कैद हो जाए या उनको वो सेवाएं प्राप्त ना हो। तो मैं ज़्यादातर सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जो सेवा भाव समझते हैं। और मैंने तो ये बात आज भी, वो लीला आपको याद होगी, पहली लीला, तो आपको ये बात समझ आ गई है कि
लड्डू गोपाल हैं तो सेवा कीजिए, और अगर आप छोटे लड्डू गोपाल होते हुए बड़े लड्डू गोपाल आ रहे हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप छोटे लड्डू गोपाल को ज़्यादा प्रेम करें, क्योंकि आपके घर में वो सबसे पहले थे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हमारे लाला वीडियोज़ में भले ही कम आते हैं लेकिन हमारे घर में सबसे अधिक प्रेम उन्हीं को किया जाता है। उनके लिए स्पेशल गाड़ी भी हम ला के रखे हैं, सब चीज़ उनके लिए अलग है। ठीक है, तो आप सबको मैं इतना ही बताना चाह रही हूँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारा कृष्णा आया है। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, हमारा ये कृष्णा ना हमें हमारे जहाँ हम रहते हैं हमारे ऊपर नंदू रहता था उसको भी ये याद दिलवा रहा है, क्योंकि इसका जो फेस कट है वो हमारे नंदू से बहुत मिल रहा है, लेकिन वो दीदी यहाँ से चली गई हैं, लेकिन हम उन नंदू को बहुत प्यार करते हैं, और नंदू तो है ही हमारे साथ, और ये बिल्कुल नंदू जैसा हमको लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता, मैं ये तक नहीं जानती हूँ कि जहाँ से ये लाला हमारे पास आए हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं। और आपको एक और चीज़ याद दिला दूँ, याद करिए एक बार कन्हैया ने क्या कहा था। कन्हैया ने कहा था, अगर मेरा बस चला ना तो मैं सारी दुनिया के सारे लड्डू गोपाल यहीं पर ला के रखूँगा। तो सभी भक्तों को बहुत सारा प्रेम, लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खूब सेवा कर सकते हैं, और जितना हम में दम है हम उतना सेवा ज़रूर करेंगे प्रभु की। तो ये हमारे प्यारे से कृष्णा की तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार। और आज हमारा कृष्णा भी सपने में आया था, आपको पता है हमारे कृष्णा ने क्या बोला? कृष्णा ने बोला मेरा थोड़ा मेकअप कर दो ना, तो देखो उनका मेकअप भी हो गया, कितना सुंदर लाला है ये, मैं क्या बताऊँ, ये देखो कितना प्यारा है ये। राधे राधे लाला, सबको राधे राधे करो। और ये याद रखिएगा, ये 40 साल के लाला है, 40 साल बाद घर से निकले हैं मेरा बच्चा। राधे राधे।